हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। स्वागत है, सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? ढेर सारी क्वेश्चन, मतलब, है ना। और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, डेली मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो आप लोग, मैं इतना समझता हूँ। ठीक है, तो चलिए, समय है इस समय रात का 8 और आप सभी की नज़रें अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो कि मुझे देख रही हैं, और हम शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों, पहला प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 51A के संशोधन के अनुसार खंड के में कहा गया है कि जो माता या पिता अभिभावक हैं उन्हें कितने वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो देखिए, ऑप्शन में मिलेगा आपको 6 से 14 वर्ष, 1 से 15 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या फिर 7 से 18 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष के बीच के बच्चों को, मतलब कि उनके माता पिता या उनके अभिभावक गार्जियन को ये मतलब कि मौलिक कर्तव्य दिया गया कि कितने से कितने वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को आप मतलब शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करें। तो प्यारे भर्तियों, आपका जो सही आंसर होगा, वो सही उत्तर होगा आपका 6 से 14 वर्ष। सबसे पहले तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बीच में ये मतलब कहा गया। और प्यारे भर्तियों, बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 51A का जो खंड के है, इसे 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि प्रत्येक नागरिक जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका यह मौलिक कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को या अपने पाल को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें, ये कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51A के खंड का में। और आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 21 में भी ये जो मौलिक अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सतलुज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊ हिमालय के रूप में जाना जाता है। SSC CHSL 2018 में से पूछा गया कि कुमाऊ हिमालय के रूप में जाना जाता है हिमालय को, लेकिन वह किस नदियों के बीच में, सतलुज और किस नदी के बीच में, प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करेंगे सही आंसर की, तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी की बात करेंगे प्यारे भारतीयों, तो कुमाऊ हिमालय, कुमाऊ हिमालय जो है पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। नहीं आया समझ में? पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी है, तो बीच का जो हिस्सा है वो आपका कुमाऊ हिमालय कहलाता है। काली नदी की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थी, तो भारत और नेपाल के बीच में ये जो नदी है तो एक सीमा बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए एक लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा खींची गई, रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच की बात करें तो ऐसी कोई काल्पनिक रेखा नहीं खींची गई है, ये काली नदी ही भारत और नेपाल के बीच में सीमा का काम करती है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें सिंधु नदी की, तो जो सिंधु नदी है वो हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बात करें प्यारे भारतीयों ब्रह्मपुत्र नदी की, तो हिमालय के पूर्व में स्थित है। बात करें प्यारे भारतीयों तीस्ता नदी की, तो जो तीस्ता नदी है वो हिमालय के पूर्व में स्थित है। क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न पूछा गया प्यारे भारतीयों आपसे कि निम्न में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, मिनांडर, डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर या फिर यूकेट्राइडिस, किसका जिक्र किया गया प्यारे भारतीयों मिलिंद पन्नों में। और सही उत्तर होगा प्यारे भारतीयों आपका मिनांडर। मिनांडर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन आपका प्यारे भारतीयों बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें प्यारे भारतीयों मिनांडर की, तो देखिए मिलिंद पन्नों जो है, तो ये मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है प्यारे भारतीयों, जो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच में माना गया। ठीक है, 100 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच में माना गया, जिसे भारतीय, इसमें प्यारे भारतीयों बात करें तो भारतीय बौद्ध ऋषि नागसेन और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जो भारत यूनानी जो शासक थे, यूनान का जो शासक था मिनांडर, तो मिनांडर के बीच में जो एक कन्वर्सेशन हुआ है, मिनांडर के बीच में जो एक संवाद हुआ है, क्लियर हुआ, इस संवाद का वर्णन किया गया है भारतीय बौद्ध ग्रंथ, जो भारतीय बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है, कौन सा, मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में जिसे मिलिंद कहा गया है, वो मिलिंद कौन है, वो मिनांडर राजा है आपके। क्लियर हुआ, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, लेखपाल 2015 में पूछा गया इसे।
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या फिर 1 जनवरी 1960। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की बात करेंगे तो 14 जनवरी 1965। 14 जनवरी 1965 यानी कि प्यारे अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलिए, 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई प्यारे अभ्यर्थियों। इसका पहला जो जिला कार्यालय है वो तंजौर में था, लेकिन अब इसका जो मुख्यालय बना दिया गया भारतीय खाद्य निगम का, वो प्यारे अभ्यर्थियों दिल्ली में बना दिया गया। ठीक है, इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है, इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत इसको लागू किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों, भारतीय खाद्य निगम को। भारतीय खाद्य निगम भारत में प्यारे अभ्यर्थियों खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ये खाद्यान्नों को एकत्र करके गोदामों में भंडारित करता है, गोदामों में संरक्षित करने का एक प्रयास करता है आपका भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपके दिल्ली में स्थित है। क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? एमटीएस 2019 में पूछा गया, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। और प्यारे अभ्यर्थियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही करिएगा, हरियाणा। प्यारे अभ्यर्थियों हरियाणा, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है आपकी सूरजकुंड झील, जो कि एक प्राकृतिक झील भी मानी गई है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इसके निर्माण की तो तोमर वंश के एक राजा थे राजा सूरजपाल, इस राजा सूरजपाल ने क्या किया था, 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था, जो कि एक प्राकृतिक झील है प्यारे अभ्यर्थियों। और इसी झील के पास प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि फरवरी माह में जिसका आयोजन किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा सूरजकुंड झील कहाँ, हरियाणा में। और जब भी पूछे कि सूरजकुंड मेला कहां लगता है, तो सूरजकुंड मेला कहां लगता है, हरियाणा में लगता है। क्लियर हो गया, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें आपके सही उत्तर की, तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की बात करें तो मतलब निकल के आता है आपका विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो विश्व आर्थिक मंच है, इस विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपके जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर हो गया, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों विश्व आर्थिक मंच की अभी हालिया कार्यक्रम की, तो देखिए 2023 में विश्व आर्थिक मंच का जो शिखर सम्मेलन था, इस विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया, जिसमें विभिन्न आर्थिक चीजों को लेकर के एक मसौदा तय किया गया और विभिन्न आर्थिक मुद्दों को लेकर के जिसमें चर्चा की गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आ जाओ प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है, सातवां क्वेश्चन क्या है, तो सातवां क्वेश्चन है प्यारे अभ्यर्थियों की कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, परितारिका कहते हैं, लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निया के पीछे जो एक गहरे रंग की पेशीय संरचना पाई जाती है उसे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो उसे कहते हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा, परितारिका। परितारिका यानी कि आयरिस, आयरिस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसे आयरिस कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो कार्निया के पीछे जो परितारिका होती है, जो आयरिस होती है, ये एक ऐसी मतलब पेशी होती है जो फैलकर एवं सिकुड़ करके पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जो प्यूपिल है प्यूपिल के आकार को कंट्रोल करती है, वो आपकी आयरिस कहलाती है। अब जो प्यूपिल है जिसे पुतली कहते हैं, तो ये जो प्यूपिल है ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। और आँख का जो पिछला पर्दा होता है, आंख का जो पिछला पर्दा होता है, इसे रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे इसे रेटिना कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। आंख से संबंधित रोगों की बात करें तो जैसे आपका समल वायु हो, ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके आंख रोग, आंख के रोग मतलब की के दायरे में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरपीएफ 2021 में पूछा गया है, यानी मतलब यह है कि आईआईटी कानपुर की स्थापना कहां की गई थी, 1959, 1969, 1957 या फिर 1947। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर होगा आपका 1959, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में की गई, कहां की गई, तो कानपुर में की गई। प्यारे अभ्यर्थियों भारत सरकार के जितने भी स्थापित जो प्रमुख संस्थान है, उन प्रमुख संस्थानों में से एक आपका आईआईटी कानपुर, जिसका उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही साथ उच्चतम स्तर का जो मूल शोध है उस मूल शोध को करना है, उस रिसर्च को करना है, तथा तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में
तथा तकनीकी नवाचार क्षेत्र में क्या करना है एक नेतृत्व प्रदान करना है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख संस्थानों की, यानी कि दो अगर IIT संस्थानों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने IIT हैं, तो दो IIT हैं, एक IIT कानपुर और दूसरा IIT BHU है आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों UP SSC PET 2016 में पूछा गया, ठीक है, सॉरी पेट में नहीं था, UP SSC Lower 2016 में पूछा गया था कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बनारस में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो भारत माता मंदिर बनारस में स्थित है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बनारस में स्थित है, क्लियर हो गया। बनारस की बात करें BHU कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। बनारस में बात करें तो बनारस के BHU परिसर में, बनारस में जो BHU है, इस BHU परिसर के अंदर आपका भारत कला भवन बना हुआ है, ठीक है। इसमें भारत कला भवन बना हुआ है, जिसमें बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों की जितने भी चित्र हैं, इन चित्रों का एक विशाल संग्रह मिलेगा आपको भारत कला भवन के अंदर, क्लियर हो गया। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत कला भवन की जो स्थापना है वो राय कृष्ण दास ने सन 1920 में की थी। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी, BHU परिसर के अंदर की गई थी, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ, तो अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, PNB, SBI, यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक। और प्यारे भारतीयों बात करें तो सही उत्तर होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। SBI यानी विदेश मंत्रालय ने SBI के साथ मिलकर के ई माइग्रेट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर प्यारे भारतीयों हस्ताक्षर किए हैं। बात करें तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आपके भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं, यानी कि ई माइग्रेट जो पोर्टल है इसके यूजर्स को अपने पेमेंट गेटवे में SBI ई पे के माध्यम से, इनका जो पेमेंट गेटवे है वो है SBI ई पे, तो SBI ई पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों ई माइग्रेट की, तो ई माइग्रेट पोर्टल को 2014 में लॉन्च किया गया था, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ, और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत एक कार्यक्रम में भाग लिया है, वाराणसी, भोपाल, चेन्नई या फिर श्रीनगर। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर होगा श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर होगा। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में क्या है कि चूँकि देखिए 2015 से प्रारंभ किया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2015 से प्रारंभ किया गया था, तब से आज भी अनवरत जारी होता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, समाज एवं अपने एवं समाज के लिए योग, जो कि 2024 के मुख्य विषय पर आधारित था, मुख्य थीम 2024 की थी, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 दिवसीय श्रीनगर की एक यात्रा की, ठीक है, और कश्मीर की यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बात करें 21 जून 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय की, तो इसका विषय था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्यारे अभ्यर्थियों बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की, तो आज के सवाल कार्यक्रम की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए इससे पहले कि पिछले सवाल की बात करें, और पिछले सवाल में हमने पूछा था कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, तो सही जवाब है आपका प्यारे अभ्यर्थियों 1920, सही जवाब है आपका 1920। और सही जवाब मतलब सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर देने में आपके जो है तो टीम 3 दोस्त, साथ ही साथ आपकी परफेक्ट निधि, यानी कि निधि ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बात करें तो सीलू विश्वकर्मा, आरती सिवरे, साथ ही साथ सत्यम पाल और रेशमा देवी, इन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की, तो आज का प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि लोसान एक विशालकाय बौद्ध मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लोसान विशालकाय बौद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कहां पर स्थित है, चीन में, भारत में, नेपाल में या भूटान में। प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर पहुंचाइएगा हम तक कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।